जय हिंद दोस्तों। कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड इस स्टॉक के ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं और स्मॉल कैप का स्टॉक है और 341 नंबर पे रैंक करता है। इसके पहले एक अपडेट, पिछली बार कब स्टडी की थी और स्टडी की थी हमने 10 अप्रैल 2021 को एंड वीडियो नंबर है 261। आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। हमने क्लियरली देखा था 74 रुपीज़ के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसको निकालता है 77.81, इसको स्टॉक निकाल देगा एंड स्टॉक ने निकाला भी एंड जो हाई लगा दिया वो था अराउंड 86 रुपीज़ का। सो फिर से हम एक फ्रेश स्टडी इनिशिएट करेंगे और लेवल्स जो है जानने की कोशिश करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट है इन द कमिंग डेज। मार्केट कैप 8,575 करोड़। स्टॉक की पी के ऊपर कोई अपडेट नहीं है। 52 वीक लो अराउंड 56 रुपीज़ और 52 वीक हाई 90 रुपये। क्वार्टरली नंबर्स सामने हैं हमारे और चेक करेंगे पिछले दो तीन क्वार्टर्स को ही, दो तीन क्वार्टर्स तो नहीं, आई गेस मार्च क्वार्टर के नंबर ही यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, मतलब दिसंबर 2020 एंड मार्च, क्योंकि मार्च के एंड में ही आई गेस ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ध्यान देंगे, दिसंबर 2020 में था 311 करोड़, फिर यहाँ पे गिरावट आगे 228 करोड़ का नंबर पोस्ट किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 165 था, फिर गिरावट आई अराउंड 67 करोड़ की, 98 करोड़ का नंबर पोस्ट किया है। नेट प्रॉफिट 132 था, गिरावट आई 74 करोड़, ठीक है। एंड ई पी एस यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है, यहाँ पे 0.72 का पोस्ट किया है। सो क्लियरली क्या देखने मिल रहा है, दिसंबर 2020 के मुकाबले मार्च 2021 के जो नंबर्स पोस्ट किए वो कमज़ोर है, वीक है। बैलेंस शीट में जाएंगे, कर्ज कितना है कंपनी के पास, बोरिंग्स इट इज़ अराउंड 2,500 करोड़। सो 8,500 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप सामने, 2,500 करोड़ के कर्ज एंड एसेट्स कितने हैं, एसेट्स अराउंड 8,865 करोड़, बढ़िया बात। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स लगभग 61%, विदेशी संस्था है 4.8, घरेलू संस्था है 1.25% के आसपास और पब्लिक के पास 33% का हिस्सा। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखने मिल रहा है प्रमोटर्स को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कंपनी के ऊपर एंड मेजोरिटी होल्डिंग उन्हीं के पास है। एंड साथ में आपको और एक चीज़ बता दूँ, जो रिसेंट आईपीओ आए थे ना पिछले कुछ महीनों में, उनमें से यही ऐसा स्टॉक है जो अपने लिस्टिंग के प्राइस के आसपास अभी भी काम कर रहा है, ओके। एंड बाकी जो भी आईपीओ आए थे पिछले महीने, मतलब मार्च महीने में, वो सारे किन किन लेवल्स के आसपास काम कर रहे हैं आपको ऑलरेडी पता है। सो कल्याण ज्वेलर्स के प्राइस को चेक करेंगे और पैटर्न को स्टडी करेंगे तो हमें देखने क्या मिल रहा है, फर्स्ट डे स्टॉक ने जो एक क्लोजिंग की थी ना 75.2, उसको वहाँ पर मतलब स्टॉक ने बड़ा रेजिस्टेंस उसी दिन बना दिया एंड 75 के ऊपर स्टॉक जो है कभी बंद नहीं हो पाया बहुत दिनों तक। एंड स्टॉक ने जो है फिर क्या किया, डिसाइसिवली उसको एक रेजिस्टेंस बना लिया एंड यहाँ पे तोड़ दिया। देखो ये जो लाइन है इसको देखिए, यहाँ पे तोड़ा स्टॉक ने 75 रुपीज़, इसे आप नोट कीजिए। जो 75 रुपये ना एक बहुत ही बढ़िया और मजबूत सपोर्ट का मतलब ये लेवल है 75, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेजर सपोर्ट। ये एक मेजर सपोर्ट है, ये बाउंस भी स्टॉक यहाँ पे ले सकता है अगर नीचे जाता है तो। सबसे पहले इसे नोट जरूर कीजिएगा 75, एंड ये जो मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी इसे मैं सेट कर देता हूँ, देख लीजिए 75, ये लाइन को थोड़ा सा खींच लेता हूँ, ठीक है। सो 75 रुपये अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक ने यहाँ पे अपने जो कर्व पैटर्न उसको भी कंप्लीट कर दिया, कर्व पैटर्न को कंप्लीट किया एंड डिसाइसिवली जो है ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दिया। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ ऊपर कैसे गया, ऊपर देखिए किस तरह से गया, मैं सारे हाई पॉइंट्स को जोड़ देता हूँ, देख लीजिए सारे हाई पॉइंट्स को जोड़ देता हूँ। ये हाँ ये ट्रेंड लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली यहाँ पे, ये सारे हाई पॉइंट्स को जोड़ दिया एंड यहाँ पर ना एक सारे ही लो पॉइंट्स को मैं जोड़ देता हूँ, तो देखने क्या मिल रहा है, स्टॉक जो है एग्जैक्टली किस तरह से काम कर रहा था, एक पर्टिकुलर नैरो रेंज में जा रहा था एंड वहाँ पर स्टॉक ऊपर की तरफ निकल तो रहा था बट साथ ही ना स्टॉक का ब्रेकडाउन हो गया। यस स्टॉक का जो है ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। अब ब्रेकडाउन हुआ किस तरह से हुआ उस पर ध्यान देंगे एंड और एक चीज़, वीडियो के एंड में हम चेक करेंगे हमने कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स को इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जब नीचे गिरना शुरू हुआ ना, देख लीजिए स्टॉक ने क्या किया, एक ही चैनल में धीरे धीरे करके नीचे गिरना शुरू किया अभी। एंड ये जो गिरावट हो रही है ना उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूँ, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, हर दिन स्टॉक जो है यहाँ पे एक 88 रुपीज़ का जो हाई लगा दिया था ना ये वाले दिन 10 जून 2021, उस दिन के बाद स्टॉक हर दिन नए लोस लगा रहा है। यहाँ देखिए ये वाले दिन स्टॉक ने, मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ, यहाँ पे आप लो देख लीजिए, यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ, 10 जून लो लगाया 85.85, नेक्स्ट डे लो लगाया 84.3, फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे लो लगाया 80.1 और यहाँ पर नेक्स्ट डे देखिए यहाँ से ना रिवर्सल के संकेत है। यहाँ से नेक्स्ट डे ऊपर की तरफ का एक हाई लो लगा दिया दैट इज 82, फिर यहाँ पर आज लो लगाया फिर से 82। सो स्टॉक जो है सॉर्ट ऑफ 82 रुपीज़ के आसपास अब बेस बनाने की तैयारी कर रहा है, बिकॉज दो दिन मतलब कल का सेशन एंड आज का सेशन 82 रुपीज़ के आसपास स्टॉक जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा बन गया, स्टॉक की जो अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है वो है ये दैट इज 86.3, 10 जून को दी थी एंड मैं यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 86.3 एंड ये
ये लाइन को मैं ग्रीन कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रेजेंट लेवल्स के ऊपर है, एंड ये लाइन को मैं रेड करना रह गया, ये प्रेजेंट लेवल्स के नीचे है। ठीक है, 86.3 सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, 86.3, ये टू बी प्रेसाइज 86.5 भी आप बोल सकते हो। एंड 86.3 को निकालेगा ना स्टॉक, तब कुछ बात बनने वाली है। एंड तब बात कहाँ तक बनेगी, स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, इस पोजिशनल ट्रेड में कौन से लेवल्स देखने मिल सकते हैं, और वो मैं आपको बता दूँ। जिस रेंज की जो शुरुआत होगी, सबसे पहला जो लेवल है देखने मिल सकता है वो है 90.5, एंड ये रेंज कहाँ तक जाएगी वो है 94.5। 90.5, 94.5 यहाँ तक स्टॉक जो है जाता हुआ दिख सकता है, इस रेंज में कई स्टॉक सेटल होता हुआ दिख सकता है। अलॉन्ग विद दैट ये जो पोजिशनल ट्रेड है इस पर स्टॉप लॉस क्या रखना है, और जो स्टॉप लॉस है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, वो है जो बेस जो बना रहा है ना स्टॉक, एंड जहाँ से रिवर्सल लिया था स्टॉक ने वो 80 रुपये, 80 रुपीज़ यहाँ पे जो है, ये देख लीजिए 80 रुपये के आसपास से स्टॉक ने रिवर्सल के संकेत दिए थे। इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। एंड ज़्यादा गिरावट होती है ना तो 75 रुपये के आसपास स्टॉक कहीं जाकर सेटल हो सकता है, बिकॉज शुरुआत के दिन में मतलब इनिशियल डे, पहला सबसे पहला दिन जो स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी ना 75 की, स्टॉक ने तकरीबन लगभग 2-2.5 महीने उसी के नीचे बिताए, फिर वहाँ से बड़ा ब्रेकआउट दिया था। तो वो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है 75 रुपये का, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। एंड इसको मैं अलग कलर दे देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एंड आपको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो ये है बिल्कुल ही बेसिक, सिंपल, सरल और सिंप्लीफाइड मैनर में एनालिसिस कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। सो एंड वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।